baby. It's not too late at last time. ये कौन सी रोटी बना रहे हैं आप? ये 50 वाला। अच्छा, और इसका नाम क्या है? क्या रोटी, कौन सी रोटी कहते हैं इसको? ये अफगानी नान है, बस इसको डिजाइन वाला बोलते हैं। डिजाइन नान बोलते हैं। पूरे कराची में मतलब कहीं और आपको नहीं मिलेगी सिवाय अलासिफ के? अलासिफ के अलावा नहीं मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। जो एक मशीन 2 लाख रुपए। अच्छा, 2 लाख रुपए आपने इधर नहीं मिलता है? अच्छा, इम्पोर्ट करवाया है आपने? हाँ, ये ईरानी मशीन। अच्छा, ये सब लोग जो बनाते हैं वहाँ से बनाते। अच्छा, वजह इसकी वजह क्या है, मतलब ये मशीन की वजह से या कोई आप अलग से इंटीग्रेंट डालते हैं? हमारा कमाल है। अच्छा, ये आपका कमाल है माशाल्लाह से। दूसरे चपाती अगर गर्म खाएगा तो खाएगा, सही है, ठंडा होगा नहीं खा सकता बिल्कुल, उसको भी इसको लोग ठंडा खाते। अच्छा, मतलब इतना सॉफ्ट होता है कि ये ठंडा भी खा सकते हैं? और ये सॉफ्ट होने की वजह क्या है, मतलब कुछ अलग से आप आटा डालते हैं या कोई अलग से इंग्रेडिएंट्स डालते हैं अंदर, क्या चीज़ है इसकी वजह क्या है? चपाती का पेड़ जो बनाते हैं वो नरम है, नरम है, इसको कड़क बनाते हैं। अच्छा, कड़क बनाते हैं वो आटा ज़्यादा जाता है इसमें। अच्छा, एक्स्ट्रा आटा जाता है इसमें, पानी कम जाता है, आटा ज़्यादा, इसमें फ़ायदा उतना नहीं है, टेस्ट सही है, टेस्ट अच्छा है, फ़ायदा नहीं चाहते पानी नहीं है, पानी कम है, आटा ज़्यादा, आटा ज़्यादा है इसमें, और नमक है, थोड़ा सा चीनी है, बस वो खमीरा है। अच्छा, खमीरा भी डालते हैं और चीनी भी डालते हैं इसमें, थोड़ा सा चीनी डालते हैं, खमीरा डालते हैं, चीनी मतलब मीठा करने के लिए और खमीरा फुलाने के लिए इसको हार्ड बनाना, जो 2 दिन भी रखेगा वो नरम रखेगा। अच्छा, सॉफ्ट रहेगा, सही है, अच्छा, कड़क नहीं हो जाएगा। चीनी की फायदा है, चीनी का वो नुकसान नहीं करता और फायदा है, सही। और इसकी प्राइस कितनी है इसकी? 50 रुपये। ये 50 रुपये का, 4 पेड़ 20 रुपये का। अच्छा, और ये हम बड़ा बनाते हैं 4 पेड़, ये 50 रुपये में, 50 रुपये किलो। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल लो प्राइस में है, 50 रुपीज, इज नॉट टू मच एक्सपेंसिव। हमको 18 साल लग गए इस काम में। माशाल्लाह, 18 साल हो गए आपको? 18 साल हो गए, 18 साल हो गए हमने ये काम सीखा है। अच्छा, तो ये शॉप कितनी पुरानी है? ये शॉप तो 6 महीने से बना हुआ है, 6 महीने हो गए ये शॉप बन गया इधर। अच्छा, इससे पहले कहीं और था, मतलब इससे अफगानिस्तान में था इससे? अच्छा, माशाल्लाह, अफगानिस्तान में थे आप? 18 साल हो गए हम इस काम में, इस काम में आप माशाल्लाह से। माशाल्लाह, अफगानिस्तान में। अच्छा, वहाँ पर मतलब आपके फैमिली मेंबर्स ही हैं? फैमिली इधर लाया, उधर बहुत झगड़ा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब आपको शिफ्ट हुए 6 महीने हो गए? हाँ, 6 महीने। माशाल्लाह,
यहाँ पर लोगों का रिस्पांस कैसा है छः महीनों में? सही है माशाल्लाह से, अच्छा रिस्पांस है। दिन में 8 बजे होता है, 8 बोरी है, 50 किलो है। 50 बोरी माशाल्लाह से, इतने इतनी रोटी निकल जाती है। अच्छा ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अभी तो लॉकडाउन है, सब काम बंद है। अगर लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो 12 बोरी भी निकल जाता है माशाल्लाह। Thank you.
लोग इसलिए बना रहे, लोग कोरोना को काज है बिल्कुल। नान बनाते हो लोग भैयान। भैयान क्या नाम है आपका? हाजी रहीम। हाजी रहीम, हाजी रहीम साहब, हाजी रहीम कितने टाइम से आप यहाँ पर? तकरीबन 2 साल से हो गया। माशाल्लाह 2 साल हो गए। और इसका एड्रेस क्या है शॉप का यहाँ का? इधर अलासिफ स्क्वायर कसाबों का गली, कसाबों का गली, कसाबों का गोश्त जो बेचते हैं। अच्छा, वो गली के अंदर है। और रोटी कौन कौन सी आपके पास, मुझे इसका नाम वगैरह बता देंगे तो राइट। नान है, अफगानी नान है। अफगानी नान ही है। ये 50 रुपये का है। अच्छा, वो 40 रुपये का है। 40 रुपये का लंबी रोटी बोलते हैं, अफगानी लंबी रोटी। और ये 30 रुपये का है। ये क्या चीज़ें? ये भी नान है। नान सॉफ्ट ताबदान की तरह, ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बिल्कुल नरम रहता है, नरम सॉफ्ट होता है। दो दिन भी रखेगा तो कड़क नहीं होगा। अच्छा, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से डिफरेंट वैरायटीज हैं रोटी की, और बनाने की महारत है, और डिफरेंट रेट्स हैं। सुबह शॉप आप कितने बजे खोलते हैं वैसे? सुबह 6 बजे और रात को 12 बजे बंद। रात 12 बजे तक माशाल्लाह से। दो आदमी पकाता है रोटी, दो टीम का। अच्छा, सुबह से 6 बजे तक वो पकाता है, 2 बजे तक, मतलब 2 शिफ्ट चलती है ऐसा, 2 बजे से 12 बजे तक नहीं। अच्छा, आप बताते माशाल्लाह। 2 बजे से 12:30 बजे तक इधर काम, 12:30 बजे तक आप करते हैं, 2 शिफ्ट चलती है, मतलब ठीक है।